बुलंदशहर में यूपी कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने राहुल गांधी पर कसा तंज। मंत्री नंद गोपाल नंदी ने राहुल व पप्पू को बताया एक दूसरे का पर्यायवाची, साथ ही कहा कि पिछले 15 साल से किसी ने अपने बच्चे का नाम राहुल नहीं रखा है। इस पर नंदी ने सपा और बसपा को चोर चोर मसेरे भाई तक बताया है। आपको बता दें, खुर्जा विधायक की सास के निधन के बाद शोक संतप्त परिवार को सांत्वना देने खुर्जा पहुंचे थे नंद गोपाल नंदी। इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव पर भी तंज कसते हुए कहा कि चाचा को धक्का देकर खुद सपा अध्यक्ष बने बैठे हैं। देखिए, हमारी माननीय विधायक माता जी का देहांत हो गया था, उस समय ही मुझे आना चाहिए था, पर कुछ पार्टी की व्यस्तताओं की वजह से हम नहीं आ पाए थे। हमने अपने कार्यालय को लिखा रखा था कि जब भी मौका लगे या हम इस साइड आएँ तो आएंगे ज़रूर घर, तो उसी में मैं आया था। और पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और अभी अभी नवनिर्वाचित चेयरमैन और 19 पार्षद जो यहाँ से जीते वो सब लोग भी आए, तो अच्छा होता है कि भाई धीरे धीरे जो चला गया वो तो वापस नहीं आ सकता हम लोगों के दुख या दुखी रहने से, धीरे धीरे भूलता है उन चीज़ों को व्यक्ति। वो यहाँ भी हैं, हम लोगों को आशीर्वाद दें, और हमारे जो माननीय विधायक हैं जो सभी लोगों को जोड़ करके सभी लोगों के लिए, और इस चुनाव में भी उन्होंने बहुत मेहनत की है, पूरी पार्टी ने जम करके मेहनत की है और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, उसके लिए मैं सभी कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। सर, 2024 का चुनाव नज़दीकी है और उत्तर प्रदेश सरकार पर विपक्ष बार बार ताने कसराए गए, शिक्षा का भी बेड़ा गर्क कर दिया, क्या कहेंगे सर? देखिए, विपक्ष में आप किसकी बात करेंगे, कांग्रेस समाजवादी पार्टी के? मैं मेरी बात सुन लीजिए, मैं बता रहा हूँ एक तरफ से आप। कांग्रेस ने लंबे समय तक यहाँ राज किया और उसका नतीजा आप सब ने और इस प्रदेश की जनता, इस देश की जनता ने देखा। आज कांग्रेस समाप्त है, कोई पूछने वाला नहीं, और जो उनके नेता है राहुल गांधी और पप्पू दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। 15 साल का रिकॉर्ड उठा के 20 साल का देखिएगा तो किसी ने अपने लड़के का नाम राहुल नहीं रखा, क्योंकि राहुल कहते ही पप्पू और बेवकूफ़ी की बात होती। इसी तरह से अखिलेश यादव की आप बात करेंगे, जिसने अपने बाप को धक्का दे करके स्वयंभू राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, अपने चाचा को ऐसे भरे मन से धक्का दिया, इसने अपने परिवार में अपने बुजुर्गों को बेइज्जत करने का काम किया, वो प्रदेश कैसे चलाएगा? मैंडेट मिला था मुलायम सिंह जी को, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी और उन्होंने अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाया, और पूरे 5 साल वो वीडियो गेम और टैबलेट और लैपटॉप पर खेलते हुए समय बिता दिए। आज वो बाहर निकलने की बात करते हैं, नैमिसारण गए हैं, ज़रूर उनको इस बात का आभास होगा कि किस तरह से गुंडागर्दी थी उनकी सरकार में और किस तरह से अब नैमिसारण का विकास हुआ है, अयोध्या का विकास हुआ है, वाराणसी में काशी कॉरिडोर बना है, विंध्यवासिनी कॉरिडोर बनकर के तैयार हो रहा है, मथुरा में तेज़ी से विकास हो रहा है। अगर आप हाईवे पर जाएंगे तो बगल में आपको सड़क बनते हुए दिखाई पड़ेगी। पूरे देश का जो एक्सप्रेसवे का नेटवर्क है अभी 37.7% है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 12 जुलाई 2022 को जब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया तो 37.7% है। अभी हम गंगा एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो आने वाले कुंभ में मेरठ से लोग गंगा स्नान करने के लिए 5 घंटे 6 घंटे में पहुँचेंगे। 6 और एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, 7 एक्सप्रेसवे के साथ देश का कुल एक्सप्रेसवे का 50% ज़्यादा